नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ चीज़स पे। तो यहाँ पर सिक्किम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट है फाइनल काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं फॉर डिफरेंट पीजी प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है इस नोटिस में, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एलएलएम और आपका एमटीटी एम एंड एमएड, एमसीए, एमपीए और आपका एम मास्टर्स इन लाइब्रेरियन साइंसेस। करना क्या है आपको यहाँ पर, तो ये नोटिस पूरा रीड आउट करते हैं। पर फर्स्ट टाइम आपसे जो अगर विजिट कर रहे होंगे चैनल पे, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी के काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है इस चैनल पे आप सभी को इम्पोर्टेंटली दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस नोटिस में दिया है कि दिस इज़ नोटिफाइड दैट सिक्किम यूनिवर्सिटी इज़ कंडक्टिंग द फाइनल काउंसलिंग टू फिलिंग अप द वैकेंट सीट। डिटेल कोर्स वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन 21 नवंबर। यानी आपका कितनी वैकेंट सीट्स है वो 21 तारीख को, जो 21 नवंबर को बताई जाएगी इन डिफरेंट सर्टिफिकेट यूजी एंड पीजी प्रोग्राम में। आपके यानी पीजी प्रोग्राम्स के लिए वैकेंट सीट बची हुई है उसके लिए भी बताया जाएगा। तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स हु हैव अपियर्ड इन सीयूईटी एंड अप्लाइड ऑनलाइन कुड नॉट सिक्योर एडमिशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एडमिशन लिस्ट अटेंड द काउंसलिंग। आपका यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड में जिनको एडमिशन नहीं मिला, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे ऑनलाइन में, तो यहाँ पर वो जाके आपका पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर 23 नवंबर को आपको जाना है स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में, ठीक है। और आपको वेन्यू पे 10 बजे पहुँच जाना है। और यहाँ पर जो है फिज़िक्स, जो है फिज़िकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 बजे तक आपको रीच कर जाना है 23 तारीख को, 23 नवंबर को। 24 नवंबर को भी आपका ये काउंसलिंग चलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर में 10 बजे तक। और ऐसे ही आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसे नेपाली, इंग्लिश, चाइनीज़, भूटिया, हिंदी एंड लिम्बो और आपका लेपचा, ये सब लैंग्वेज के लिए आपको 2 बजे यहाँ पर रीच करना होगा। और आपका 25 तारीख तक भी आपके ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपके स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, टूरिज्म, म्यूजिक, मास कम्युनिकेशन, एमए, एमएड के लिए, और आपका कॉमर्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, और आपका सोशल साइंस में आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लॉ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स के लिए भी जो सीट्स बची है इसके लिए भी यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है। तो कैंडिडेट जो यहाँ पर फिज़िकली आपको वेन्यू पे प्रेजेंट होना है ऑन टाइम, आपका जो टाइम है, और प्रॉक्सी अटेंडेंस जो है आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, और आपके कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन फॉर एडमिशन कैन अटेंड द काउंसलिंग। जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है वही काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ्स। आप वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर लेकर जाओगे, क्लियर। द वैकेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स में इंक्रीज इफ द कैंडिडेट्स विदड्रॉ देयर एडमिशन बिफोर द डे ऑफ काउंसलिंग। इन एबसेंस ऑफ द एप्लीकेंट पर्टिकुलर कैटेगरी द सीट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैटेगरी और ट्रीट एज अ अनरिजर्व सीट। तो यहाँ पर ये आपको अनरिजर्व सीट कैटेगरी में रखेंगे। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू रीच द प्रेमिस शेड्यूल डेट एंड टाइम फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट और अ डे, तो यहाँ पर भी आपका जो है इनवैलिड माना जाएगा। तो आप लोग सिक्किम यूनिवर्सिटी में जिन्होंने रजिस्टर किया था उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और जिनको कि फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में रजिस्टर, मतलब आपको सीट अलॉट नहीं हुआ था, अब आप यहाँ पर जाके ऑफलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो सिक्किम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे और अभी तक एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो जल्द से जल्द इसको ग्रैब करिएगा, और कोई भी अपडेट होगी चैनल पर दी जाएगी। जुटे रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।